पैसों के कारण अटकी मुनमुन धमेचा की रिहाई। वकील बोले, हमारे पास 1 लाख रुपए नहीं है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान ऑर्थोरोड जेल से रिहा होकर अपने घर मन्नत भी पहुंच चुके हैं, लेकिन मुनमुन धमेचा की रिहाई अटक चुकी है। दरअसल मुनमुन को जमानत के पैसों की व्यवस्था करने में काफी दिक्कत आ रही है। मुनमुन धमेचा को NCB ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के साथ क्रूज पर छापेमारी के वक्त पकड़ा था। आर्यन के साथ साथ मुनमुन और अरबाज को भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है, लेकिन मुनमुन धमेचा को 1 लाख भरने में बहुत दिक्कत आ रही है। इसलिए अब उनके वकील अस्थायी नकद जमानत पर उनकी रिहाई के लिए अर्जी दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मुनमुन धमेचा के वकील ने अब अस्थायी नकद जमानत पर उनकी रिहाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अर्जेंट अर्जी दाखिल कर दी है। मुनमुन धमेचा मध्य प्रदेश की रहने वाली है और उन्हें जमानत के लिए श्योरिटी अमाउंट की व्यवस्था करने में काफी ज्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है और बहुत दिक्कत आ रही, इसकी वजह से उन्हें अभी तक रिहाई नहीं मिली। लेकिन आपको बता दें कि आर्यन खान को और अरबाज मर्चेंट को जेल से रिहाई मिल चुकी है और उनके जो फैंस हैं बहुत ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि मन्नत को भी काफी अच्छे से सजाया गया है, जैसे ही पता चलता है कि आर्यन खान की रिहाई होने वाली है।